और रचना ऋषियों ने की। तो ये पूछा था ये वाक्य ठीक है या गलत, वेदों की उत्पत्ति तो ईश्वर ने की और रचना ऋषियों ने की। बोलो जी ये वाक्य ठीक है या गलत है, है? तो रचना में और उत्पत्ति में क्या फर्क है? उत्पत्ति तो ईश्वर कर रहा है और रचना ऋषि लोग कर रहे हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? उत्पत्ति और रचना का एक ही अर्थ है या अलग अलग अर्थ है? क्या अलग है बताइए। ये रचना का अर्थ कौन से शास्त्र में लिखा है जो आप बता रहे हैं? बिल्कुल सही है, ईश्वर सृष्टि की रचना करता है, ईश्वर वेदों की रचना करता है। तो रचना और सृष्टि की रचना और वेद की रचना, रचना तो एक ही बात हुई। अब आपने रचना शब्द का प्रयोग कर दिया कि ईश्वर सृष्टि की रचना करता है, अब मैं बदल के बोलता हूँ ईश्वर सृष्टि की उत्पत्ति करता है, ठीक है या गलत है? तो रचना और उत्पत्ति एक ही बात तो हुई, अलग कहाँ है? जब उत्पत्ति ईश्वर ने की तो रचना भी ईश्वर करेगा, ऋषि थोड़ी करेंगे। ऋषि लोग वेदों की रचना नहीं करते, रचना ईश्वर ही करता है, उत्पत्ति भी वही करता है, रचना भी वही करता है। ऋषि लोग तो डिक्टेशन लिखते हैं। सवाल तो गलत हो गया, यही तो पूछा था कि ये वाक्य ठीक है या गलत, इसका उत्तर देना था। सबने ठीक कर रखा है तो वो गलत उत्तर हुआ उसका। उत्पत्ति और रचना शब्द का एक ही अर्थ है। हाँ जी सुनिए ध्यान से, उत्पत्ति और रचना शब्द का एक ही अर्थ है। ईश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति की, ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, ये दोनों वाक्य ठीक है ना? तो उत्पत्ति और रचना समानार्थक हुए। तो यहाँ पूछा था कि उत्पत्ति तो वेदों की ईश्वर ने की और रचना ऋषियों ने की, तो गलत हुआ ना? बस तो ये बात थी। और ये कह रहे हैं सबने ठीक लिख रखा है इसको, जबकि है ये गलत। चलो आपने ठीक लिखा, अच्छी बात है। तो रचना और उत्पत्ति एक ही बात है, ईश्वर वेदों की रचना करता है, ईश्वर वेदों की उत्पत्ति करता है। मनुष्य लोग ईश्वर से सीख करके कागज़ पर लिखते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, तो इसका नाम रचना नहीं है। एक ऑफिसर अपने ऑफिस में अपने सेक्रेटरी को डिक्टेशन लिखवाता है और वो कहता है इसका फटाफट लेटर टाइप करके लाओ, मेरा मैटर लिखो और इस कंपनी को पत्र भेजना है, फटाफट लिखो शॉर्ट हैंड में और टाइप करके लाओ। तो उस सेक्रेटरी ने, पीए ने उसका संदेश लिख लिया कागज़ पे और जाके कंप्यूटर पे टाइप कर लाया, प्रिंट आउट निकाल लाया, कर लो साहब ये चिट्ठी तैयार है, बोले इसको भेज दो, उसने भेज दिया। ये जो पत्र में मैसेज गया ये उस ऑफिसर का है या उसके सेक्रेटरी का मैसेज है? ऑफिसर का है। तो ऋषि लोग तो सेक्रेटरी हैं, उनका मैसेज थोड़ी है, मैसेज तो ईश्वर का है। वो तो सेक्रेटरी की तरह सीख लेते हैं और आगे लिख के भेज देते हैं, आगे पढ़ाते रहते हैं। और कोई बात पूछनी है तो 5 मिनट बाकी।